नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है टैक्स बचाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है और इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो टैक्स बचाने के लिए, खास करके सैलरी परसेंट की बात की जाए तो टैक्स बचाने के लिए मुख्यतः पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और इंडोमेंट प्लान में LIC और अन्य दूसरे बैंक की योजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि उनका तो टैक्स तो बच जाता है लेकिन रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। जहां पर आपको वहां पर बैंक में जो इंडोमेंट प्लान है, LIC का इंडोमेंट प्लान है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए तो इन सभी प्लानों को अगर बेसिकली देखा जाए तो वहां पर 5 से लेकर के 8% तक का रिटर्न मिलता है। ऑन एवरेज देखा जाए, अगर इसमें आप सभी में मिक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। तो आपको कुछ ऐसे प्लान देखने चाहिए कि आपका जो है रिटर्न वहां पर भी ज्यादा हो और टैक्स तो बचेगा ही बचेगा। इस तरह के प्लान आपको जो है मार्केट में उपलब्ध है, आपको उस बारे में ध्यान देना ही चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है इस तरह के प्लान जो है मार्केट में उपलब्ध है, उसका नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS प्लान। ELSS प्लान जो होता है इसमें भी इन्वेस्ट करके, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आता है कि मार्केट पर आधारित होता है तो किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा और क्या मेरा पैसा सही सलामत रहेगा तो या नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि रिटर्न की यहाँ पर तो कोई गारंटी नहीं होती है मार्केट में, लेकिन आप अगर लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट में आप 10 से 15 साल देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना 15 साल देते हैं, LIC की दूसरी सारी योजना 10 से 15 साल देते हैं, अगर आपने यहाँ पर भी उतना टाइम दिया तो आप यह मान कर चल सकते हैं कि आपको भी इस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम पर आपको भी 12 से 15% से ऊपर रिटर्न की आशा रख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ELSS में क्या मेजर डिफरेंस होता है और किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट से इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करके आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर लॉक इन की बात की जाए तो लॉक इन जो होता है 15 साल के लिए रहता है। आप बेसिकली दूसरी योजनाओं भी देखें, जैसे कि LIC की योजना भी 10 साल के लॉकिंग, मिनिमम 10 से 15 साल के लॉकिंग रहता है, सुकन्या समृद्धि योजना 10 से 20 साल के लगभग लॉकिंग रहता है, और ELSS की बात की जाए तो वहां पर मात्र 3 साल के लॉकिंग के लिए आता है। सबसे मेजर बेनिफिट यहाँ पर होता है कि आपको 3 साल के बाद ही आपके पैसे फ्री हैं यूज करने के लिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा टिप्स देता हूँ। मान लीजिए कि 3 साल के बाद आपने 1.5 लाख रुपया इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया, ठीक है, टैक्स बचा लिया 3 साल के बाद। फिर अगर आपको टैक्स बचाने की जरूरत है, अगली मान लीजिए चौथे साल आपको अगर किसी कारणवश पैसे नहीं है तो आप उसके यूनिट्स को रिडीम करके दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अन्य दूसरी योजनाओं में पॉसिबल नहीं है। यह सिर्फ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पॉसिबल है क्योंकि इसका लॉकिंग पीरियड बहुत ही कम है। आप आसानी से वहां पर से रिडीम करके फिर से आप री इन्वेस्ट करके टैक्स का लाभ ले सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान में रखिए। हाँ, दूसरी आप आता है कि यह किस तरह पर आधारित है। तो जितने भी पहले हम लोग बात कर रहे थे, LIC वगैरह, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट पर आधारित है। गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं कि कितना इंटरेस्ट देना है, और जो इक्विटी लिंक्ड होता है मार्केट पर आधारित होता है। मार्केट के चाल के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है कि इसमें कितना परसेंट का रिटर्न मिल सकता है। जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप 1.5 लाख रुपया से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं PPF में, सुकन्या समृद्धि योजना। वहीं पर ELSS की बात की जाए तो वहां पर मिनिमम लिमिट तो है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आप 1.5 लाख से चाहे तो ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई किसी भी तरह का रुकावट नहीं है। प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं दोनों में। तो 5 साल के बाद PPF में आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, अपने जितने इन्वेस्टमेंट है उसका 50% ही आप निकाल सकते हैं, यानी कि पूरा निकालें वैसा संभव नहीं है। हालांकि इक्विटी लिंक्ड सेविंग में आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। हाँ, इस पर लोन आपको जरूर मिल जाएगा लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 500 रुपीज से दोनों में आप इन्वेस्टमेंट, साल भर में आपको 500 रुपया तो डालना ही डालना है। PPF चलाना है, साल भर में आपको 500 रुपया डालना है। रिटर्न की बात की जाए तो 7.1%, जो कि आज के डेट में, आज की तारीख में जो चल रहा है PPF का, वह मिल सकता है। और ELSS में किसी तरह का फिक्स्ड रिटर्न आपको देखने को
नहीं मिलेगा। लंबे समय में इन्वेस्ट कीजिएगा, 12 से 15% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल रिटर्न के बारे में, किस तरह से कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो आइए इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात की जाए, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जब शुरुआत हुई थी, देखेंगे आप जैसे इस डाटा में, पब्लिक प्रोविडेंट की जब शुरुआत हुई थी 1968-69 में, उसमें 4.8% का रिटर्न मिलता था, जो कि बहुत ही अच्छा था। सबसे ज़्यादा रिटर्न वहाँ से धीरे धीरे करके देखिए कम ज़्यादा होते गया, हालांकि उस समय रिटर्न बढ़ा, बढ़ करके 1985 में 9.5% का रिटर्न आया। और थोड़ा हम लोग नीचे चलेंगे, इसका और रिटर्न देखेंगे, तो फिर देखते देखते आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है यहाँ पर 12% का रिटर्न मिला है 2000 के आसपास में। थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर देखिए, ये 1986-87 और 99 के पीरियड में, उसके बाद 99 से 2000 के बीच के जो पीरियड है उसमें 12% का रिटर्न दिया है। उसके बाद से धीरे धीरे इसका रिटर्न जो होता है डिक्लाइन होते गया, कम होते गया। आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको जो है फिक्स रिटर्न मिलेगा, या कि गवर्नमेंट पर आधारित है, यहाँ पर भी रिटर्न कम और ज़्यादा होते रहता है। फिलहाल आज के डेट में देखा जाए तो इस पर जो रिटर्न है 2020 के बाद से अभी तक जो है 7.1% का रिटर्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात, कि इसमें किस तरह से रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है पिछले लंबे समय में। अगर आप लंबे समय की बात करते हैं तो 10, 12 साल, 15 साल की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखेंगे कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की बात करेंगे, तो वहां पर जब हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो लंबे समय में जो रिटर्न की बात करेंगे हम लोग वहां पर देखेंगे, आप देखिए पारंपरिक की बात करेंगे तो वहां पर जो है जब से लॉन्च हुआ लगभग लगभग 23% का रिटर्न दिया है। उसके बाद और दूसरे म्यूचुअल फंड देखेंगे 22%, 20%, 21% का रिटर्न दिया है। अगर इसका ऑन एन एवरेज देखते हैं तो वहां पर निकल करके आता है 15.7% का रिटर्न निकल करके आ रहा है, इसमें दिया है 15.7%। हालांकि एक दो साल के रिटर्न हम लोग नहीं देख रहे हैं, लंबे से टाइम फ्रेम के रिटर्न की बात कर रहे हैं तब। और एक एवरेज मान के चलेंगे, अगर आप 15 से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जब पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना में, एलआईसी में, तो यहाँ पर भी आप समय देते हैं 10 साल से ऊपर, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, यह बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये हो गया आपको बात। अब देखेंगे हम लोग तीन बेस्ट प्लान कौन से हैं इसके लिए, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीन बेस्ट प्लान की बात की जाए तो सबसे पहला प्लान हम लोग लिए हैं पारंपरिक का टैक्स सेवर प्लान, उसके बाद क्वांट का टैक्स सेवर प्लान, और तीसरा फंड है मेरे एसेट का टैक्स सेवर प्लान। ये तीन प्लान सबसे बेहतरीन है। इन तीनों में से किसी एक में, या तो आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े तीनों फंड में लगा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक कैलकुलेटर के हम लोग जरिए देखेंगे कि अगर आपने 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना शुरू किया, 1.5 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन तीनों फंड में, या सॉरी इन तीनों फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पीपीएफ में 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं पर ईयर, तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम अगर वर्तमान में जो बात की जाए पीपीएफ की बात की जाए, पीपीएफ में जो है 7.1% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट 12,500 के आधार पर करते हैं, 12,500 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, तो वहाँ पर आपको लगभग लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया आप एक साल में इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में, तो 15 साल के बाद वहाँ पर 7.1% का रिटर्न जो आज के डेट का मान के चलते हैं, तो इस तरह से 7.1% का रिटर्न लेकर के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा लगभग लगभग 40,20,000। अगर 1.5 लाख रुपये पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इन्वेस्टमेंट 12,500, ये तो हो गया अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो। अगर यही पैसे को आप अगर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर इन्वेस्ट करें तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, हिस्टोरिकल रिटर्न लगभग लगभग 15% के आसपास मिला है वहाँ पर, तो 15% का रिटर्न हम लोग मान के चलते हैं, उसे भी हम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 12,500 रुपया, ELSS में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, वहाँ पर भी 1.5 लाख पर ईयर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो 1.5 ईयर पर ईयर इन्वेस्ट करने के बाद
वहां पर 15% का रिटर्न अगर एज्यूम करते हैं तो वहां पर जो है 22 लाख, 22 लाख के आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पर जो मैच्योरिटी है 62 लाख, और जो गेन हो रहा है 62 लाख, और मैच्योरिटी वैल्यू लगभग लगभग 84 लाख के आसपास हो रहा है। जहाँ पर पीपीएफ में 40 लाख बन रहा था, वहीं पर आपको ईएलएसएस में 84 लाख के आसपास बनेंगे। अब यहाँ पर दूसरा केस आ सकता है, बहुत सारे लोगों का दूसरा क्यूरी आ सकता है कि ठीक है, पीपीएफ तो टैक्स फ्री है, इक्विटी लिंक सेविंग इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। पीपीएफ की बात की जाए तो वहां पर आपको बन रहा था, पीपीएफ में आपको 40 लाख बन रहा था, मोटा मोटी मानकर 40 लाख, 20 हजार तक 40 लाख मैं पकड़ के चलता हूँ, 40 लाख आप में कोई टैक्स नहीं देना, आपके पूरी तरह से पैसे आपके। दूसरी ओर यहाँ पर जो बन रहा है आपका 84 लाख, 84 लाख में आपका हो गया 22 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, तो बचा यहाँ पर आपको 62 लाख। 62 लाख पर 10% आपको टैक्स देना है, सिंपल सी बात, 62 लाख पर टैक्स देना है आपको 10% के अनुसार से। तो 10% के अनुसार से 6 लाख 20 हजार, 6 लाख 20 हजार घटा दीजिए, 62 लाख में से 6 लाख घटा दीजिए, तो यहाँ पर बच गया आपको लगभग 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 कितना हो गया, 56 लाख। 56 लाख फिर भी आपके हैंड में आता है टैक्स फ्री अमाउंट, 56 लाख प्लस 22 लाख, ये हो गया 56 लाख, और इसमें 22 लाख आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था ये हो गया 78 लाख। टैक्स देने के बाद भी 78 लाख बच रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको बहुत सारे ऐसे फंड, जैसे अभी जिनका नाम हम तीनों फंड का लिया, उनका हम कंपेरिजन देखते हैं, अगर उसमें आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहे तो 15% से भी ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो ये मत सोचिए कि टैक्स कटेगा तो मेरा कम हो जाएगा, टैक्स कटने के बाद भी आपका यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इस बारे में आप सोचिए। अब सबसे बात, एक और बात हम लोग देखेंगे कि जो तीनों फंड का हम लोग नाम लिए थे पराग परिक, उसका हम लोग कंपेरिजन देखेंगे, पराग परिक का और क्वांट का और मिर एसेट का, तीनों का कंपेरिजन करके हम लोग देखेंगे कि तीनों फंड किस तरह से पिछले कई सालों से कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न के मामले में देखेंगे, तो रिटर्न के मामले में देखिए, लंबे समय का रिटर्न देखेंगे, छोटे समय में देखने से कोई फायदा नहीं है। 3 साल की बात की जाए तो लगभग लगभग 22% पराग पारिक में, वहीं पर क्वांट की बात की जाए 30%, और मिरे की बात की जाए तो लगभग लगभग 17%, और वहीं पर अगर 7 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम में बात की जाए, हालांकि इसका पराग पारिक का 7 साल और 10 साल पूरा नहीं हुआ है, तो अगर क्वांट में अगर रहते तो लगभग लगभग 26% का, और मेरे में अगर 7 साल की बात की जाए तो 19% का रिटर्न, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, अन्य दूसरे प्लान की अपेक्षा यहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको परंपरागत रूप में इन्वेस्ट करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, टैक्स बचाने के ऑप्शन है, उसमें भी इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी, ज्यादा रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। आप इन तीनों फंड में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के जरिए आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो ठीक है, 70% आप 50-50 कर दीजिए दोनों में, 50% आप जो है परंपरागत रूप में इन्वेस्ट कीजिए, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, जो भी आपको लेना है ले लीजिए, 50% पैसा आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डालिए, वहां पर जो है आपके लिए बेहतरीन रिटर्न बना करके देगा, यह बात मानिए। 15% तो मैं एक नॉमिनल मान के चलता हूँ, 10 से 15% में आपको आराम से मिलेगा। अगर आपने अच्छा फंड सेलेक्ट किया, उसे सही समय पर रेगुलेट करते रहे, सही समय पर चेंज करते रहे, तो आपको और ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। तो ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।